आज हम बात करेंगे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज और डायबिटिक फुट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज क्या होता है। जैसे हार्ट के अंदर हार्ट अटैक होता है, हार्ट की जो धमनियां हैं, जो खून की नसें, उसमें ब्लॉकेज की वजह से, उसी तरीके से पैर में खून की नसों की ब्लॉकेज की वजह से पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या लेग अटैक होता है। इसमें मरीज को थोड़ी दूर चलने पे पैरों में दर्द हो सकता है, पैर में भारीपन लग सकता है, जो थोड़ी देर बैठने पे आराम मिलता है। सिमिलरली कभी कभी ऐसे मरीजों को रेस्ट पेन भी होता है, यानी कि हर समय ही पैर में दर्द बना रहता है, और बहुत बार इन मरीजों को वूंड यानी कि एक अल्सर होगा जो कि हील नहीं कर रहा होगा लंबे समय तक। इन सारे मरीज, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के लिए। इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कलर्ड अल्ट्रासाउंड डॉपलर का इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पैरों की नसें, जब पैर को देखोगे तो दिखाई देगा कि पैर की जो स्किन है वो पतली हो गई है, उसके ऊपर से बाल गायब हो रहे हैं, और शाइन शिन जो होती है हमारी हड्डी जो होती है पैर की, उसके ऊपर ऐसा लगेगा कि कुछ किसी ने तेल लगा रखा है, बिल्कुल चमकती हुई नज़र आएगी। छू के देखेंगे तो उसके अंदर हमें लगेगा कि पैर ठंडा पड़ रहा है, और बहुत बार इन पैरों में अल्सर यानी घाव दिखाई देते हैं जिसके चारों तरफ कालापन दिखाई दे सकता है। अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर की मदद से हम इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल बना सकते हैं, साथ में सीटी एंजियो, एमआर एंजियो या डीएसए भी करके देखा जा सकता है। इसके मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी स्मोकिंग, वेट रिडक्शन, अच्छा खाना पीना, तेल का कम करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और साथ में दवाइयाँ यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ और लिपिड लोअरिंग एजेंट यानी कोलेस्ट्रॉल को खून से कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट्स पे। उसमें आप बहुत सारे बार जाते हैं आसपास के डॉक्टर्स के पास, देखते हैं कि वूंड जो है वो हील नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर बोलता है कि इसको पैर को कटवाना पड़ेगा। बट दोस्तों, जानने की बात यह है कि ये सही ट्रीटमेंट नहीं है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों पैर का वूंड हील नहीं हो रहा है, क्यों गैंग्रीन बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है। बहुत बार पतली नसों के माध्यम से, तारों के माध्यम से उस सिकुड़न को खोला जा सकता है, खून की सप्लाई प्रॉपर पहुंचने के बाद ये वूंड अपने आप हील करने लगते हैं, और एम्पुटेशन से या मेजर सर्जरी से आपको बचाया जा सकता है। धन्यवाद।